दो बोतल खून चढ़ चुका है अभी तक बाघा को। बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यू चल रहे थे मेरे घर पे। डर लग गया। चलो भाई, इतने दिन के बाद आया हूँ ना भयंकर ब्लॉग शूट करने, अब निकला हूँ यार मैं। अबे मेरा इंट्रो क्या था, मैं तो इंट्रो ही भूल गया भयंकर तीन चार दिन में। सॉरी। सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज मी शुभम एंड यू आर वॉचिंग गियर अप एंड डाउन। सो बाघा पे यार बहुत दिन के बाद चला रहा हूँ। रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू चल रहे थे यार मेरे घर पे, तो पापा को भी डेंगू हो गया, भाई को भी डेंगू हो गया, उससे पहले मम्मी को डेंगू हुआ था, तो बहुत क्रिटिकल। इसी वजह से मतलब बहुत लेट व्लॉग्स आ रहे थे। आज एक छोटा सा व्लॉग बना रहा हूँ गाइज मैं, ये वाला ना, और इसको लेके जा रहे हैं बाघा को लेके जा रहे हैं सर्विस करवाने, क्योंकि कल संडे है और फिर मंडे है तो टाइम नहीं होगा हमारे पास, तो मैं एक दिन में ही बहुत सारे व्लॉग शूट कर लेता हूँ, इसी वजह से व्लॉग्स आ जाते हैं। बिकॉज जॉब भी है, आप लोगों को पता भी है, जॉब भी करना इम्पोर्टेंट है यार, वरना चलेगा कैसे, भगाना भी तो ऐसे। और शहर धारा मतलब धूल मिट्टी की दौड़। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आ रखा था चंदा के पास अपने बाघा की सर्विस करवाने, और लिटरली बता रहा हूँ इतने दिन के बाद व्लॉग कर रहा हूँ ना, इतना ऊट पटांग सा लग रहा है भयंकर, ऐसा लग रहा है क्या ही चीज़ हो गई होगी। काफ़ी टाइम से मैंने व्लॉग नहीं किया, घर में प्रॉब्लम चल रही थी, उन लोगों को मैंने बताया, और बाघा हो चुका है इस समय फुल नंगा। तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि बाघा कैसा लग रहा है। सो गाइस देख लो, ये पूरा खुल गया है, पूरा इतना पीछे आना पड़ रहा है मुझे इसे पूरा फ्रेम में देने के लिए। गाइस ये देखो, दो बोतल खून चढ़ चुका है अभी तक बाघा को, ये और वो, एक एक खाली हो गया पूरा, फुल खाली, वो वाला भी खाली, अभी एक और चढ़ेगा, बहुत पीता है खून। बाघा कंप्लीट हो रहा है, चेक करो। सो गाइस फाइनली अपना बाघा फुल रेडी हो चुका है, और मैंने जो क्रैश गार्ड लगवाए थे वो निकाल दिए हैं, तो अब विंग्स का लुक चेक करो आप लोग, प्रॉपर आ रहा है बिल्कुल शेप में, और बहुत स्लिम सी हो गई है बट चौड़ी तो है ही। अब निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस थोड़ा सा सर्विस की टेस्टिंग करने के लिए हम लोग जा रहे हैं मैगी पॉइंट तक, सामने मिस्टर प्लेन ब्लैक, और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, वो हम थोड़ी देर में दिखाएंगे, थोड़ा सा वेट करो, बाकी चलते हैं आगे। बट आज सैटरडे और आज जाम चेक करो अंकल, क्या कर रहे हो यार। सो गाइस ये देखो, ये मिस्टर प्लेन ब्लैक खोल के खड़े हैं। क्या बोला तूने? मिस्टर प्लेन ब्लैक खोल के खड़े हैं जाम में खोल के खड़े हैं गाइस, ये पता नहीं क्यों एक्साइटेड है, इन्हें कोई R1000 वाला इनका दोस्त मिल गया, बेस्ट बडी हो गया, सब खा गया, कुछ नहीं बचा। अब से उनके साथ ही दिखेंगे आपको, हमारे साथ काम चुटुर मुटुर। दोस्त मेरा एक ही था, वो चला गया गाइस, अब वो नहीं आएगा। गाइस इसको इग्नोर करो, गाइस का नाम सदमा है, मिस्टर प्लेन ब्लैक सदमा। सो गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं, और आप लोगों को कुछ ऐसा दिखने वाला है कि मजा ही आ जाएगा तुम्हें, चलो।
जैकेट पहन के आनी थी क्या? क्या हाल है ब्रो? आवाज सुनाओ यार पहले इसकी, आवाज आवाज एक बार आवाज। फ्लेम ना मार दे बस ये मेरे मुंह पे। सो गाइस ये चेक करें, मिस्टर प्लेन ब्लैक R1000 के ओनर, ओरिजिनल R1000 पे। इसकी माँ का भोला चेहरा मार दो ये बस 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 ओए। बस कर साले। सो गाइस आज बाका के साथ कौन मिलने को आया है? R1000। चलो गाइस अब थोड़ा सा एक शॉर्ट राइड बनाते हैं, दोनों ब्लॉग को मैं मिक्सअप कर दूंगा और एक 5-10 मिनट का ब्लॉग तुम लोगों के लिए हो जाएगा, ठीक है? तो ये देखते हैं जिस हिसाब से भी वीडियो ट्रेंड करेगी उस हिसाब से हम फिर डालेंगे। ट्रेंड तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, लाखों में व्यूज आ रहे होंगे। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कोई नहीं, कभी ना कभी तो आएंगे। टोटल बॉडी क्लीन करके ना जितनी बार एक्सलेटर दे रहा हूँ उतनी बार पटाखे फूट रहा है, बताए इसमें। हाय हाय जितनी बार दे रहा हूँ उतनी बार फूट रहा है। अब आ गया मजा। ये गाइस लुक चेक करो यार R1 के, सच में भाई ये चेक करो लुक यार गाइस, अल्टीमेट मशीन है, अल्टीमेट फुल दबाई। ओ भाई हाँ, क्या साउंड आ रहे पटाखों के भाई। ओ भाई गाइस एक चीज दिखाऊं, देखो सिर्फ एक बार थोड़ल दूंगा हल्का सा, ठीक है? ये भाई फ्लेम्स आ रहे बाहर तो यार, भाई साहब क्या फ्लेम्स आ रहे हैं ब्रो। अबे क्या कर रहा है, लगी तो रहे भाई साहब। तो भाग गया रे, तुरंत भाग गया। मजाक है ये, है मजाक है ये। ओ भाई क्या भागा वो उल्टे पांव यार। मजा आ गया गाइस, ये तो कंटेंट हो गया गाइस। पागल वागल है थोड़ा सा। मैं भाई इससे पूछ रहा था लगी तो नहीं कार वाले से, देखा ये उल्टे पाँव वापस। जी हाँ डर लग गया। शाबाश बेटा बहुत बढ़िया। तो गाइस अब निकल रहे हैं हम लोग वापसी के लिए और 10 बज गए, बहुत लेट हो गया यार मैगी पॉइंट से निकलते हुए। तो हमारे साथ R1000 पे जो भाई है इनका यूट्यूब चैनल है जैक समर करके, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और अब आप लोगों को भाई मतलब मोस्टली व्लॉग में दिख जाएंगे, तो मैं सिर्फ इनसे ही मिलने आया था सर्विस के बाद, मतलब एक बार मिलता हुआ चलूँ, यही आप लोगों के लिए सरप्राइज था। और अब जो मतलब मेरा जो आप लोगों को ना मैं खर्चा बताता हूँ जो आज आया, नॉर्मली जो बाइक का खर्च जो सर्विस कॉस्ट आई है मेरे पे 11-12 हज़ार रुपये आई है। आप लोग मुझे DM कर देना, एक एक चीज़ का मैं आपको डीपली बता दूंगा कितना सर्विस कॉस्ट था, कितना क्या था, कितने का इंजन ऑयल पड़ा। और जो मैंने इंजन ऑयल डलवाया है मोटूल का डलवाया है 7150, तो वो आप लोग चेक कर लेना, ठीक है गाइस? बाकी मिलते हैं आप कल, एक बढ़िया सा ब्लॉग शूट करूंगा कल, मार्केट रिएक्शन भी शूट होना है कल, हाईवे राइड भी होनी है, कल संडे है ना, और कल हमें वापस से भी आना है यहाँ पे, तो एक बढ़िया सा ब्लॉग शूट करते हैं। नज़ारे देख लो आप, ये है मैगी पॉइंट और ये है देहरादून के नज़ारे।